अच्छा, एज अ चाइल्ड एंड एज अ लाइक एज अ पर्सन, आर यू वेरी हाइपर बबली और बड़े खुश, मतलब हर वक्त खेलना कूदना, बाहर जाना, ये करती हूँ, या बिल्कुल दिल करता है कि रिलैक्स और चिल्ड? और बिल्कुल भी नहीं, मैं इंतहाई अच्छा अपने ख्वाल में रहने अच्छा वाली अच्छा इंसान हूँ। लगती नहीं हो मुझे यार। और मैं आपको बताऊँ हाँ ऐसन की एक चीज़ जो मैं अक्सर अब मेंशन करती हूँ कि इस फील्ड की वजह से मेरे में आई है, वो ये कि मैंने उस ख्वाल से बाहर निकलना शुरू किया है। ओके एफर्ट करके मैंने अपने अंदर ये चेंज मैं लेकर आई हूँ कि मैं लोगों से बात करती हूँ, और वो जैसे जो आप कह रहे हैं, अदरवाइज मेरा मिजाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो ओ ये इसमें अच्छा मैं स्ट्रगल भी करती हूँ अभी भी, बट ये कि अब मुझे लगता है 3 साल के बाद कि फाइनली मैं उस जगह पे हूँ जब वो स्ट्रगल उतनी तो बड़ी दिस नहीं फील थी। हैज हेल्प्ड यू टू गेन अलॉट कॉन्फिडेंस एंड अलॉट अलॉट और अपने ऊपर एक एतमाद ज्यादा बिल्डअप हुआ है। बिल्कुल बिल्डअप होता है। और आप, क्योंकि ये मुश्किल है इस फील्ड में, लोग जैसे होते हैं या जो हमारा काम है उसमें, तो उसमें बहुत ही सिखाता है आपको। आई थिंक अगर आप थोड़े से सेंसिटिव इंसान है सोचने समझने वाले, तो ये फील्ड आपको एक अच्छा इंसान बनने में बहुत हेल्प हेल्प करती है। करती है यार, ये तो बड़ी बात है। ये फील अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है, एक्चुअली करती है। अच्छा, हाँ मुझे तो ये लगता है कि हेल्प इंसान, यू नो, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। कई लोगों को ये फील्ड कुछ भी नहीं उनका बिगाड़ती, कई लोगों को बहुत अच्छा बनाती है, कई लोगों को इनकी चॉइस है कि उन्होंने किस तरफ, किस डगर पे लगना। तो ये तो आप बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना स्टडी करते हैं ना सदर, जितना हम नई से नई चीज़ नॉलेज गेन करना, मुझे लगता है कि इंसान की जो तरक्की है ना, वो सारी तरक्की उसकी पहले ज़हनी तरक्की है। ये जो आपका, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके पास कितनी गाड़ी है, कितना घर है, क्या है, ये तरक्की है, बट ये वन साइडेड मटेरियलिस्टिक तरक्की है। जब एज अ पर्सन यू हैवंट ग्रोन इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट, यू हैवंट ग्रोन एज अ पर्सन, तो देन यू आर देयर इज नो नोबडी, पॉइंट। दिस नो पॉइंट। देयर आप इज फिर नो कुछ भी पॉइंट नहीं, आप तो वही हैं जो आप जैसे पैदा हुए वैसे ही चले गए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हम हर दिन, हर लम्हा, आज आप और मैं बैठे हैं, जो भी बात करें, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अननोइंगली आपके, आपसे मैं सीखूंगी, समझूंगी। सीखने का मतलब ये नहीं होता हम कोई कॉपी फिलहाल पेंसिल तो मैं ही लेके सीख बैठ रहा हूँ जाए, नहीं। और बहुत तुम्हारे सीरियस लाइफ को लेना शुरू कर दें, हम बहुत सी चीजें हर वक्त रोजमर्रा रूटीन में से अगर हम ऑब्जर्व करने वाले इंसान हैं, जो कि होना चाहिए, तो हम बहुत सी बातें हर वक्त पिक करते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं। मतलब कि बहुत चीजें हमने सीखी भी होती है और हमें ऑब्वियसली लगता है कि यू नो इनका कोई वो नहीं है, तो ये प्रोसेस तो हर वक्त चलता रहता है। और अगर हमने इसको रोक दिया तो आई तो थिंक फिर बच्चों को तो फायदा खत्म, ही नहीं है। बिल्कुल सही।